नाजरीन आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शब्बीर वानी। वादी कश्मीर को मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ मिलाने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज तीसरे रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद है। हुकाम का कहना है कि बहाली का काम तेज रफ्तार से जारी है और शाम तक बहाली का इम्कान है। इसी दौरान SSP ट्रैफिक शब्बीर मलिक ने बताया कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा के देवल ब्रिज समरोली के मुकाम पर और रामबन के T2 टनल मरोग बैटरी चश्मा पर बहाली का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है और उम्मीद है कि इन मुकामात पर आज शाम देर गए तक पस्सियों को हटा लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वक्त श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा समेत डोडा किश्तवाड़ शाहराओं पर भी ट्रैफिक की नकलो हमल नहीं है। बड़ी खबर से आपको बाखबर कर रहे हैं, तस्वीरें आप सीधा ही उधमपुर और रामबन के दरमियान समरोली देवल ब्रिज की देख रहे हैं, जहां पर अभी तक कई मर्तबा सुबह से ब्लास्टिंग हो चुकी है और बहाली का काम तेज रफ्तारी से जारी है। हुकाम ने इस मौके पर जराए ब्लाक के नुमाइंदों से क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए कल से जब इस लैंडस्लाइड को क्लियर करने के लिए जो मशीनें लगी थी उनको तकरीबन लगे हुए 24 घंटे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो सीनियर अधिकारी हैं वो भी मौके पे हैं, रात को भी रहे थे। अभी तक जितना प्रोग्रेस हुआ है या जितना काम अभी तक हुआ है, इसे नहीं लगता कि आज भी ये हाईवे खुलेगा, क्योंकि कल भी ब्लास्टिंग किया था, आज भी दिन में सुबह कैसे दो बार ब्लास्ट हुआ, क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़े बोल्डर हैं जो मशीनों से नहीं हिलते हैं। तो मेरा जो भी लोग हाईवे पर ट्रैवल करना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि हाईवे पे ना आए जब तक रोड क्लियर नहीं होता। ट्रैफिक अथॉरिटी से या जो भी कंट्रोल यूनिट है ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट, उनसे टाई अप करें या जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के, उससे अपडेट रखा जा रहा है। तो निवेदन है कि ना आए, क्योंकि हाईवे आज भी नहीं खुलेगा।